आतंकवादियों का बाप, आतंकवादियों का दादा, आतंकवादियों का परदादा हाफिज सईद इस समय आईसीयू में भर्ती है। लश्कर ए तैयबा का टॉप टेररिस्ट हाफिज सईद, उसको किसी ने जहर दिया। इस पॉलिसी के तहत भारत जो है ऐसी शख्सियत को टारगेट करवा रहा है जिसे वो अपना दुश्मन समझता है, और वो अपने ही शहर के यानी के लाहौर के एक हॉस्पिटल में जिसका नाम है मेयो हॉस्पिटल, उसमें वो एडमिट है। तो जब स्टेट इतनी कमजोर नजर आ रही है तो हर एक बंदा थप्पड़ मारता है। बात करनी पड़ेगी, स्टोरी ये खतरनाक स्टोरी है, और वो अब ये कह रहे हैं कि हम तो मारेंगे। कुछ सालों में ही 20 पाकिस्तानियों का कत्ल कर देना पाकिस्तान के सरजमीन के ऊपर की तरफ से किया जा रहा है, या पाकिस्तान के अपने अंदर ही ये चल रहा है कि भाई इन लोगों से छुटकारा तो पाना ही है, क्योंकि जो काम लेना था वो ले लिया, जो दहशतगर्दी उन्होंने करनी थी कर दी। अब क्योंकि उसकी वजह से पहले बड़े बदनाम हो चुके हैं और पूरी दुनिया की तरफ से जो है वो हम पे सवाल उठाया जाता है, और एफएटीएफ ने वैसे ही जीना हराम किया है, तो अब क्योंकि आगे इस्तेमाल करने के तो कोई हालात नहीं, तो चलो इसको जो इनसे छुट्टी करें। क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, पाकिस्तान के साथ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, जबकि उसके चारों तरफ आईएसआई का पहरा है। तब तो मामला और भी अधिक गंभीर हो गया है कि भाई हाफिज सईद तक को जहर दे दिया। हाफिज सईद का तो इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता भाई। अब पता लग रहा है कि ये वेंटिलेटर पे जा चुका है। दूसरी चीज, इसकी हालत नाजुक है ये भी पता लग रहा है, हालांकि कंफर्मेशन अभी तक। लश्कर ए तैयबा का टॉप टेररिस्ट हाफिज सईद, उसको किसी ने जहर दिया, और वो अपने ही शहर के यानी के लाहौर के एक हॉस्पिटल में जिसका नाम है मेयो हॉस्पिटल, उसमें वो एडमिट है। ये खबर तब से ही, कल शाम से ही ये खबर सोशल मीडिया में तो है ही, यूट्यूब पे भी है, हर जगह है, वेबसाइट्स पे है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नजर में भी है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अब तक इसे डिनाय नहीं किया है, हालांकि दाऊद वाली खबर थी उस पर मुझे बहुत कंडेम किया गया, और मुझे मेरे खिलाफ भी बहुत सारे लोग, कुछ इंडियंस और पाकिस्तानी फेक अकाउंट जो आज भी इस पर मेरे खिलाफ ट्वीट करेंगे, मुझे झूठा बोलेंगे। पाकिस्तानी फेक अकाउंट जो कि लाहौर से चलते हैं, मैं उस पर पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, लाहौर से चलते हैं, कॉलेज के बच्चे उनको रिक्रूट किया जाता है, उनके एक एक के 10-10, 15-15 अकाउंट होते हैं ट्विटर के और यूट्यूब के, वो जाकर के कमेंट करते हैं, कोई राम सिंह के नाम से, कोई रोहित के नाम से, कोई अजीत के नाम से, ऐसे अकाउंट करते हैं, वो ट्वीट करते हैं, वो जाकर के वो बोलते हैं कि तेरी खबर फेक है, और बहुत बहुत गालियां देते हैं। खैर ठीक है, मैं डरता नहीं उनसे, मैं क्योंकि ये प्रो इंडिया खबर है और वो भी प्रो इंडिया खबर थी, इसलिए मैं दूंगा, चाहे मुझे कितनी गाली, मुझे धमकी भी दी गई, मुझे मारने की धमकी भी दी गई, मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी, गाजियाबाद पुलिस ने उसे क्लियरली उसे सीरियसली नहीं लिया, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये एक चीज मैं आपके पास फिर से लाऊंगा, पिछली खबर जो दाऊद की थी मैं उस पर आज भी स्टैंड करता हूँ, मैंने सही खबर दी थी, ये खबर अब हर जगह आ चुकी है, ये प्रूव करता है कि मेरी खबर सही थी। मैं बता रहा हूँ कि क्या सिचुएशन है मेयो कॉलेज, हालांकि मेरी ये खबर कंफर्म नहीं हो पा रही है अभी कहीं से भी। मैंने अपने एक दोस्त से खालिद से बात की, उन्होंने बोला ऐसी मुझे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। फिर उसके बाद इनफैक्ट कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ही मुझे कॉल किया था कि यार ऐसी खबर है, एक बार चेक कर लो, हाफिज को जहर दिया गया। मैंने कहा मैं चेक करता हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीजें और हैं जो अपडेट है वो मैं आपको देता हूँ। एक अपडेट तो ये कि ये आदमी जो है, ये आदमी मेयो हॉस्पिटल में, पहले पता था कि इंटेंसिव केयर में, अब पता लग रहा है कि ये वेंटिलेटर पे जा चुका है। दूसरी चीज, इसकी हालत नाजुक है ये भी पता लग रहा है, हालांकि कंफर्मेशन अभी तक किसी चीज का नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहे तो करे, ये खबर हमने दी थी, सबसे पहले दी थी आपको, लेकिन अब दूसरी जगह आ रही है तो इससे क्लैरिटी आ रही है। मेरे से पहले, मुझसे पहले ये खबर किसी ने नहीं दी थी, ट्विटर को बात छोड़ के, ट्विटर पे मैंने खुद बोला, ट्विटर कुछ अकाउंट्स पे थे, यूट्यूब पे या वेबसाइट पे मुझसे पहले किसी ने। अब आगे हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई है ऐसी, क्योंकि मैंने कल रात अपने दोस्त को बोला कि जाके देख के आना, तो पता चला कि सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई है, गाड़ियां खड़ी हैं जो कि इंटेलिजेंस की लगती हैं, कुछ आदमी घूम रहे हैं जो इंटेलिजेंस के लगते हैं। ये भी कि क्या हाफिज सईद मर चुका है, ये बात बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं कर सकता। सच बोलूं तो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये कंफर्मेशन भी नहीं है कि हाफिज सईद एडमिट है कि नहीं वहां पर, लेकिन जिस तरीके की मूवमेंट्स हैं, जिस तरीके की वहां गाड़ियां खड़ी हैं,
बिना कुछ गाड़ियां जो खड़ी हैं वो ऐसी मतलब जो जो, जो इंटेलिजेंस की गाड़ियां हैं वो, और कुछ लोग, मेरा कल का वीडियो इसी पर था ये भी कि रीजन ये है कि पाकिस्तान हम लोगों को जो रीजन मिल रहा है या हम लोगों को जो क्यों मुझे इस खबर पे विश्वास हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान टपका रहा है, पाकिस्तान गिरा रहा है, पाकिस्तान मार रहा है उन लोगों को जो उसके लिए लायबिलिटी बन चुके हैं। ये जितनी भी मिस्टीरियस किलिंग्स हैं इसका कोई जवाब है किसी के पास? क्या अगर पाकिस्तानी अवाम आप हुकूमत से पूछना शुरू कर दें हमारे बंदे इंडिया ने मारे हैं या हमारे बंदे ये जो कश्मीर सेंट्रिक आर्म ग्रुप्स के मेंबर रहे हैं इनकी जो हुई हैं, कोई है जवाब दे सकता है? कोई नहीं जवाब देगा। अब पाकिस्तान ये कह रहा है या पाकिस्तान ये सोचता है कि पाकिस्तान को जो दूसरे फॉरन ममालिक में फ्रेंड्स हैं उनसे कोऑर्डिनेशन बढ़ानी चाहिए। किसको? हम यूएई को कह रहे हैं हम कि दुबई के अंदर भाईजान ये जो सेल चल रहे हैं पाकिस्तानियों को मारने वाले ये बंद कराएं और फॉरेन गवर्नमेंट्स के यूएई से करें ना शेयर। यूएई और इंडिया की $100 अरब की ट्रेड है, क्या करेंगे यूएई? देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं उनकी बहुत बड़ी जो फॉरेन पॉलिसी सक्सेस में से बहुत सारी जो है मोहम्मद बिन ज़ायद और सऊदी अरब से इंडिया यूएई और सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं, और आप कह रहे हैं कि जनाब वहां पे बैठ के वो लगे हुए हैं। पाकिस्तान का केस कोई केस कमजोर मजबूत नहीं, कमजोर केस है। उन्होंने जो कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उस मैनिफेस्टो में वही बातें हैं, उस मैनिफेस्टो में वही बातें हैं जो पहले थी। और अगर पाया नहीं तो कोई गल नहीं है, तो साढ़ा कार दी गल नहीं दी। तो अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद करेगा तो हम फिर बात करें, ये है बात, ये है टोटल बात। आपने क्या बात करनी और क्या ना करनी, मैं समझता हूँ वेरी अनफॉर्चुनेट किस्म की पाकिस्तान की पोजीशन, अनअपोलोजेटिक सा हमारे बिहेवियर है। ठीक है, वो तो गार्डियन का हो, उसने स्टेटमेंट जारी कर दी तो इन्होंने क्या चलो उसी भी कर दी होंद, अब तो लिखी गई हमारी, अब तो करनी ही पड़ेगी भाई, वो अनअपोलोजेटिक है। क्योंकि आतंकवादियों का बाप, आतंकवादियों का दादा, आतंकवादियों का परदादा हफीज सईद इस समय आईसीयू में भर्ती है। क्यों भर्ती है? क्योंकि उसको भी किसी ने जहर दे दिया। भाई ये मामला तो अत्यंत गंभीर होता जा रहा है, अब अगर हाफिज सईद भी सुरक्षित नहीं है जबकि उसके चारों तरफ आईएसआई का पहरा है, तब तो मामला और भी अधिक गंभीर हो गया है कि भाई हाफिज सईद तक को जहर दे दिया। पहले दाऊद इब्राहिम को निपटा दिया और अब हाफिज सईद, फिर बचा कौन है? कह रहे हैं कि वैसे भी जो आपका मसूद अजहर था वो तो पहले ही नहीं दिख रहा, कई सालों से 2019 के बाद से ही उसको किसी ने देखा नहीं है। तो अब अगर हाफिज सईद भी निपट गया और वो भी जहर के कारण, तो फिर क्या कहेंगे हमारे अखिलेश बाबू का क्या होगा? आज ही अखिलेश बाबू ने बहुत बुरी तरह से मजम्मत की है भारत की, भारत की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, योगी जी की, राजनाथ जी की, के कहते हुए कि साहब कि ये जो है आप मुख्तार अंसारी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, भारत भी जो है वो आतंकवादियों को दूसरी जगह पर मार रहा है। तो मुख्तार अंसारी उनके कहने के अनुसार बाकी केवल आतंकवादियों को मारता था, जो भी था। लेकिन भाई ये खबर सुन के हमारे राहुल गांधी का क्या होगा?